एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 इंट्रो पार्ट देखते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम ये देखेंगे पहले कि माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं। से हम एक डिटरमिनेंट लेते हैं, मान लीजिए कि 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8, 9, 10 ये हमने ले लिया। ये डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3। क्या ऑर्डर है, 3 बाई 3। कुल कितने एलिमेंट हुए, 3 3 9, ऐसे भी गिनिए तो 9 एलिमेंट है। अगर 9 एलिमेंट है तो माइनर्स की संख्या कितनी होगी, माइनर्स 9 होंगे और कोफैक्टर भी कितने होंगे, कोफैक्टर्स कितने होंगे, 9। जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर्स होते हैं और उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं। और एक बात की है, यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 × 3, दैट्स व्हाट 9। नंबर ऑफ माइनर्स 9। नंबर ऑफ कोफैक्टर्स 9। ओके, अच्छा अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3। तो ऑर्डर ऑफ माइनस, ऑर्डर ऑफ माइनस बराबर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट -1। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट -1। अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा, n माइनस वन। इतना नोट कर लें पहले आप, इसके बाद चलता हूँ आगे। अब हम एक एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे। चलिए अब हम माइनर ऑफ 2 लिख रहे हैं। माइनर ऑफ 2, 2 क्या है जरा देखो, 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। 2 क्या है, इसको हम लिखेंगे, अच्छा इसको ऐसे भी सकते हैं, जरा देखो ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट M11, ये M21 फाइव को, सॉरी 1 2, M13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। इसके बाद इसको M21, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, M21 6, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, M31 M32 M33। ठीक है, इसका मतलब ये होगा अगर हमको M11 निकालना है तो 2, इसका मतलब 2 का माइनर निकालना है। M12 का मतलब 3 का माइनर निकालना है। M14 का मतलब, M13 का मतलब 5 का माइनर निकालना है। M21 का मतलब 6 का माइनर निकालना है। या जो हमने मैट्रिक्स का चिन्ह लगाया है गलत लगाया है हमने, तो M21 का मतलब 6 का माइनर निकालना है हमको। M22 का मतलब 4 का माइनर निकालना है। M23 का मतलब 7 का माइनर निकालना है। M31 का मतलब 8 का माइनर निकालना है। M32 का मतलब 9 का, M33 का मतलब 10 का। ओके, ये जान लीजिए हमने कहा कि माइनर ऑफ
टू, इसका मतलब क्या हुआ, एम फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट वन वन, ये बराबर क्या होगा। जैसे हम उसको जब एक्सपेंड कर रहे थे डिटर्मिनेंट को, वही फार्मूला वन वन, तो ये रो तो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा, फोर नाइन सेवन टेन। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, इसकी वैल्यू कितनी आई बताओ, दस चौक चालीस माइनस नौ सत्ते तिरसठ बराबर माइनस ट्वेंटी थ्री। ओके चल, एम वन टू, एम वन टू मतलब किसा हुआ, माइनर ऑफ थ्री, माइनर ऑफ थ्री मतलब थ्री कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एम वन टू बराबर। चलो भैया अब तो इसको छोड़, तो रो चल रहा है तो छूट ही जाएगा, अब फिर सेकंड कॉलम ये छूट जाएगा, ये वाला छूट जाएगा, ये क्या बचा, सिक्स एट सेवन टेन बराबर सिक्सटी माइनस फिफ्टी सिक्स, सिक्सटी माइनस फिफ्टी सिक्स बराबर कितना आया, फोर। ठीक है, इसे माइनर ऑफ फाइव यानी एम वन थ्री, एम वन थ्री अब क्या होगा बताओ, वन थ्री अब ये वाला छूट जाएगा, क्या बचा, सिक्स एट, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, सिक्स एट, सिक्स एट और फोर नाइन, फोर नाइन ये बराबर कितना हुआ, छ नवाई चौवन माइनस आठ चौक बत्तीस बराबर कितना हुआ, बाईस। ठीक है, इसी तरह से अब हम सेकंड रो में चलेंगे, सेकंड रो में माइनर ऑफ सिक्स मतलब एम टू वन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो को पहले ख़त्म कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को ख़त्म कर देंगे, क्या बचा बताओ, थ्री नाइन फाइव टेन, ठीक है बराबर कितना हुआ, दस तिहाई तीस माइनस पैंतालीस बराबर माइनस पंद्रह आया। चलिए फिर माइनर ऑफ फोर, माइनर ऑफ फोर, माइनर ऑफ फोर क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये भैया तो जब सेकंड रो सेकंड कॉलम है ये छूट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये टू एट, टू एट फाइव टेन, फाइव टेन ये कितना हुआ है आपका, बीस ऋण चालीस बराबर माइनस ट्वेंटी। ओके फिर आया माइनर ऑफ सेवन, सेवन क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम बराबर, अब भैया हो अब सेकंड रो तो गया ही था बेचारा, है सेकंड रो तो गया ही था, अब थर्ड कॉलम भी चला जाएगा, क्या बचा बोलो, टू एट और थ्री नाइन नौ दूनी अट्ठारह माइनस चौबीस बराबर माइनस सिक्स। चलिए अब छोड़िए, अब हम थर्ड रो में चलते हैं, ठीक है
अब हम चलते हैं क्या, माइनर ऑफ एट, एट का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये भैया ये तो थर्ड रो का पूरा काटना पड़ेगा और फर्स्ट कॉलम में ये काटना पड़ेगा। क्या बचा, थ्री फोर फाइव सेवन, सात त्रिक इक्कीस माइनस पाँच चौके बीस बराबर वन, ठीक है। फिर माइनर ऑफ नाइन, यहाँ ऑफ ऑफ नहीं लिखे हैं, हर जगह ऑफ नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा माइनर ऑफ, कहीं लिखे हैं कहीं नहीं लिखे हैं, माइनर ऑफ नाइन। चलो जब माइनर ऑफ नाइन में चलेंगे तो यह क्या है, नाइन थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम भी हट जाएगा भैया। क्या बचा, टू सिक्स और फाइव सेवन, सात दुनी चौदह ऋण तीस, छः पंचे तीस बराबर कितना हुआ, सो माइनस सोलह, हाँ। अब माइनर ऑफ टेन, माइनर ऑफ टेन, ए एम थ्री थ्री बताओ, अब ये छूट जाएगा आपका कौन सा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये वाला छूट जाएगा। तो टू सिक्स और थ्री फोर, दो चौक आठ माइनस अट्ठारह बराबर माइनस दस। इस तरह से आप देखिए कि दस एलिमेंट थे, दस माइनर निकल गए, दस माइनर निकल गए, ठीक है। अब दस को फैक्टर भी होंगे, दस को फैक्टर होंगे, देखो को फैक्टर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे बराबर माइनस वन पावर आई प्लस जे एम आई जे, एम आई जे, एम आई जे। अगर आप इतना नोट कर लिए हो तो मैं दिखाना चाहता हूं कि सबका सबका को फैक्टर, जैसे देखिए इतना तो पहले नोट कर लीजिए आप। अब मैं फिर से शुरू करता हूं, को फैक्टर निकालना ये यहीं से निकालेंगे, कहीं दूर नहीं जाएंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ को फैक्टर, क्या चलता हूँ को फैक्टर, को फैक्टर। अब चलो को फैक्टर में हमने कहा कि ए वन वन बराबर हो जाएगा माइनस वन पावर वन वन प्लस वन एम वन वन, एम वन वन, एम वन वन की वैल्यू कितनी आई है, माइनस ट्वेंटी थ्री, बोलो भाई कितनी आई है, माइनस ट्वेंटी थ्री। तो माइनस वन पावर टू ट्वेंटी थ्री, इसका मान एक होता है, सॉरी माइनस ट्वेंटी थ्री, ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू वन बराबर ट्वेंटी थ्री, ठीक है। चलो हमने कहा को फैक्टर ऑफ वन टू बराबर माइनस वन पावर वन प्लस टू एम वन टू, ये भैया इसकी वैल्यू कितनी आई है, फोर फोर आई है ना, ये बराबर माइनस वन पावर वन प्लस टू, थ्री इंटू फोर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस फोर। ए वन थ्री बराबर माइनस वन पावर वन प्लस थ्री एम वन थ्री, ट्वेंटी टू आया भैया, क्या आया है, 22
22, तो माइनस 1 पावर 4 इंटू 23, 1 पावर 4 करेंगे तो वही कितना आएगा, सॉरी 22, 1 आएगा बराबर 22, ठीक है। ये क्या था, M21 था शायद, M21 3 9 5, हाँ M21 था ये, M21 था, A21 बराबर माइनस 1 पावर 2 प्लस 1, M21 ये कितना आया है माइनस 15, मिटा देता हूँ, बराबर माइनस 1 पावर 3 इंटू माइनस 15, ये माइनस 1 हो जाएगा, बराबर माइनस 1 इंटू माइनस 15, बराबर क्या आ गया 15, ओके इतना नोट करें आप प्लीज। अब आइए यहाँ पर, यहाँ पर मिटा देता हूँ इसको, A22 बराबर माइनस 1 पावर 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस 20 आया है, ये माइनस 20 आया है आपका, तो ये माइनस 1 पावर 4 इंटू माइनस 20, ये तो 1 हो जाएगा, फिर यही आंसर आपका को फैक्टर और माइनर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम, A23 बराबर माइनस 1 पावर 2 प्लस 3, M23 बराबर क्या होगा भैया, ये जरा बताइए तो, माइनस 1 पावर 5 इंटू माइनस 6, इसका मान माइनस 1 माइनस 6 ये क्या हो जाएगा प्लस 6, A31 बराबर माइनस 1 पावर 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 आया है यहाँ पर, मिटा दे रहा हूँ, तो माइनस 1 पावर 4 इंटू 1, यहाँ 1 हो गया बराबर 1, अब फिर A32 बराबर माइनस 1 पावर 3 प्लस 2, M32 यहाँ तक मिटा देता हूँ, बराबर क्या हुआ माइनस 1 पावर 5 माइनस 16, ये माइनस 1 माइनस 16 तो बराबर क्या हो जाएगा प्लस 16, A33 बराबर माइनस 1 पावर 3 प्लस 3 6, माइनस 10 है भैया, माइनस 10 क्या होगा माइनस 1 पावर 6 इंटू माइनस 10, माइनस 1 पावर 6 1, फिर यही आंसर हो जाएगा माइनस 10, ओके। तो इस तरह से आप 10 माइनर और सॉरी 9 माइनर और 9 को फैक्टर आपने निकाला, अब आप सीख गए होंगे कि कैसे माइनर कैसे को फैक्टर निकलता है। अच्छा एक चीज, ये सब काम आप पहले भी करते थे, यह सब काम आप पहले भी करते थे, आज कोई नया नहीं कर रहे हैं, केवल जाहिर नहीं था कि को हम माइनर निकाल रहे हैं को फैक्टर निकाल रहे हैं, ये हमको पता नहीं था। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल सेट करके बता रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए
ये बराबर हम करते थे, इसकी वैल्यू निकालते थे, पहले वन लेते थे वन, फिर क्या करते थे, ये रो छोड़ते थे, ये वाला छोड़ते थे, फोर फाइव सॉरी सॉरी ये छोड़ दिया फाइव एट सिक्स नाइन, फिर हम माइनस लगाते थे तो टू लेते थे टू, तब इसको छोड़ते थे तो क्या लेते थे फोर सेवन और सिक्स नाइन, ठीक है, प्लस थ्री लेते थे तो ये छोड़ते थे फोर सेवन फाइव एट, ये करते थे। जरा देखिए है क्या, ये क्या है, ये पहला एलिमेंट है, ये ए वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है बताइए, ये किसकी वैल्यू है, ये एम वन वन की वैल्यू है कि नहीं, ये एम वन वन की वैल्यू एम एम ये एम वन वन है, माइनस टू एम वन टू है, ये प्लस थ्री एम वन थ्री है, ये आप निकाल के चेक कर लो ये है कि नहीं है। चलो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए ए वन वन माइनस वन पावर वन प्लस वन एम वन वन, इसको प्लस माइनस वन पावर वन प्लस टू, या ऐसे प्लस ए टू वन सॉरी टू क्या है ए वन टू है, फिर माइनस वन पावर वन प्लस टू, वन प्लस टू तभी तो माइनस वन हुआ, माइनस वन पावर थ्री करेंगे तो माइनस हो जाएगा, एम वन टू प्लस थ्री क्या है ए वन थ्री, माइनस वन पावर वन प्लस थ्री, देखो वन प्लस थ्री करेंगे फोर हो जाएगा, माइनस वन का पावर फोर वन हो गया, एम वन थ्री, ठीक है, बराबर क्या हुआ ए वन वन ए कैपिटल ए वन वन हुआ, अभी आपने निकाला इसको ए वन टू कैपिटल ए वन टू प्लस ए वन थ्री कैपिटल ए वन थ्री, ये काम तो हम पहले से करते आए हैं लेकिन विजुलाइज नहीं था, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फैक्टर ये है, ये तो फर्स्ट रो के लिए हमने किया, अगर सेकंड रो के लिए करें, ये कभी कभी कहता है कि सेकंड रो के को फैक्टर्स को यूज करिए और वैल्यू निकालिए, आर डल बराबर क्या हो जाएगा, अगर ए टू वन किया ए टू वन कैपिटल ए टू वन प्लस ए टू टू कैपिटल ए टू टू प्लस ए टू थ्री कैपिटल ए सॉरी ए टू थ्री कैपिटल ए टू थ्री, ठीक है, यह भी आंसर है, वही सेम आंसर देगा। कभी कभी कहता है थर्ड रो के को फैक्टर को यूज करके बताइए, तो क्या हो जाएगा इसी की वैल्यू, सेम है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ए थ्री वन ए थ्री वन प्लस ए थ्री टू ए थ्री टू ए थ्री टू प्लस ए थ्री थ्री ए थ्री थ्री, यह भी डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू देगा, यह भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, यह भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, यह भी इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तीनों हैं, तीन के तीनों हैं। इंट्रो पार्ट मेरे ख्याल से आ गया होगा, एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, आइए लगे हाथ करते हैं इसको।